भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? तो आज मैं आपको अपने पेरेंट्स का विज़िट करवाऊँगा। काफ़ी दिन मैं बिजी रहा हूँ तो इसलिए इनको टाइम नहीं दे सका। तो आज इनकी पेरेंट्स ने देखना है कि बच्चे की क्या सिचुएशन है और कितने अंडे दिए हुए हैं, कोई बच्चे आपको मना तो नहीं है, क्योंकि मैं तीन चार दिन तो बिजी रहा हूँ बहुत ज़्यादा, मेरे पास टाइम नहीं था। तो आइए मैं आपको विज़िट करवाता हूँ पेरेंट्स का। ये फेमिली है मेरे पास अभी और सब बच्चा एक पेयर है, उन्होंने भी माशाल्लाह एक बच्चा दिया हुआ है। पहले लव बर्ड थे मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पेयर थे, तो दिल्ली की मॉडल आ गई, हम कहीं गए हुए थे होता थी, तो दिल्ली की मॉडल आ गई, दिल्ली में वो सारा काम खराब कर दिया। अब ये बच्चों का शौक है तो बच्चों के शौक के साथ हमारा भी थोड़ा सा शौक हो जाता है। तो आइए आपको विजिट कराता हूँ कि पिंजरों में क्या भी साफ था। ये पहली मछली मैंने निकाली है, ये इसकी टोपी है, ये इसमें माशाल्लाह तीन बच्चे हैं अभी। क्योंकि ये साफ भी करने रही है, देखें ये तो मैंने देखे काफ़ी दिन बाद है। ये जो है ये चार पांच दिन का लग रहा है, ये माशाल्लाह बड़े हैं और हेल्दी हैं माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। ये इसको इनके लकड़ी में रख देता हूँ। वैसे सर्दियों में ये है कि लकड़ी का डिब्बा हो तो मुझे आता है। ये सेकंड वाला जो है केज है, इसमें तो माशाल्लाह काफ़ी बच्चे हैं। ये वाला भी बच्चा है और ये भी बेबी है ये, लेकिन ये बाहर आ गए हुए हैं। ये इसमें मेल है, कुज्जे के अंदर देखते हैं क्या सिचुएशन है। माशाल्लाह कुज्जे में भी दो बच्चे हैं, इसका मतलब है चार हैं, दो तो बाहर आ गए हैं, सेल्फ हो गए हुए हैं। ये इनकी तोती है, माँ है, ये जो माँ है वो रेड आइज़ में है और ये जो मेल है ये ब्लैक आइज में ही है। ये नीचे जो पेयर है ये वाला वाइट में है, इसमें येलो की थोड़ी सी शेड है। और इसके गुज्जे में देखा है मैंने कोई अंडा बच्चा नहीं है, क्योंकि ये बच्चे अभी इसके निकाले हैं मैंने चंद दिन पहले ही। इसके भी माशाल्लाह दो बच्चे हैं, ये रेड आइज में है, देखे ना ये प्यारे हैं माशाल्लाह। और ये येलो में पेयर है, देखे ना ये पेयर बड़ा प्यारा खूबसूरत पेयर है। इससे नीचे वाला ये केज है, मैंने ज़्यादातर जो है वो एक एक जो खाना है उसमें एक एक ही पेयर रखा हुआ है, क्योंकि पेयर ज़्यादा हों तो वो ब्रीड नहीं करते, फिर वो एक दूसरे के अंडे जो हम नीचे फेंक देंगे या बच्चों को मारेंगे जाके। ये देखें ये भी सिंगल पेयर ही है, ये नीचे वाला भी सिंगल पेयर है और ये सबसे लास्ट में भी सिंगल पेयर ही है। ये ऊपर वाला भी है येलो में, रेड आइज़ में है ये पेयर, ये भी सिंगल पेयर ही है। इसके बाद ये है, ये मेल है और ये इसकी फीमेल है। वाह माशाल्लाह, देखिए इसके पांच बच्चे हैं। ये जो है ये माशाल्लाह चार से पांच से छह बच्चे जो है इसकी एवरेज है, और ब्रीड बहुत अच्छी करती है ये बच्चों को पालने की, इसकी एवरेज जो है बहुत अच्छी है, इसका बच्चा माशाल्लाह मरता नहीं है, ये बच्चे को फीड कराने में बहुत फिट है। और अकेले अकेले पेयर रखें तो ही ज़्यादा ब्रीड करते हैं, वरना लड़ाई ही रहती है इनकी आपस में। ये जो है ये जो सबसे ऊपर वाला पेयर मैंने आपको दिखाया था कि ये येलो में रेड आइज में पेयर है, मेरा फेवरेट है ये। मैं इसके बच्चे अपने पास रखता हूँ, ये मैं किसी को नहीं देता, बाकी जो बच्चे निकलें वो मैं दे देता हूँ, कोई आए तो ले जाता है, सेल नहीं कभी भी किए। तो ये बच्चे जो है मुझे बड़े पसंद हैं, इनका कलर बहुत अच्छा है। ये पेयर है, ये मेल है, ये इसकी अंदर फीमेल बैठी हुई है, और एक ये पेयर है येलो फीमेल है, ये दोनों मेल बैठे हुए हैं और दोनों की फीमेल है जो अंडों पे बैठी हुई है। मैंने सभी अलग अलग ही रखे हुए हैं। और ये मेरे पास सब्ज़ का एक पेयर है, ये मैंने तकरीबन चार साल पहले लिया था ये पेयर, इससे ही मैंने स्टार्ट किया था, मुझे तो इनका ही शौक़ था।
तो इसने फर्स्ट ब्रीड की है मेरे पास। अंडे तो इसने चार दिए थे लेकिन बच्चा जो है वो सिर्फ एक ही बचा, बाकी मर गए थे। अब तोते को माशाल्लाह गानी बढ़ गई हुई है, ये देखें, ये मेल है, देखें गानी पड़ी हुई है। ये सेंटर वाली जो है ये अभी जो स्टिक पे बैठी है ये फीमेल है और ये इनका बेबी है। और ये अभी ब्रीड नहीं कर रहे, शायद ये बेबी इनका इनकी केज में इसलिए ब्रीड नहीं कर रहे, केज तो माशाल्लाह इनकी फुल इनको मिली हुई है। अभी दोबारा जो है वो लव बर्ड रखने का सोच रहा हूँ कि दोबारा लव बर्ड का शौक करूँ। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो है ये स्टेलियन है, ये इनका बिजनेस करें तो ये प्रॉफिट वाला नहीं है, अच्छे पेड़ रखे हों और उनकी डाइट ठीक हो तो ये 5 से 6 बच्चों की एवरेज देते हैं, और 5 से 6 बच्चों की एवरेज दें तो ये बेहतरीन जो महीने का है ना वो बच्चे पाल के तो डिब्बे से बाहर आ जाते हैं। ये देखें माशाल्लाह, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली मेरी वीडियोस आपको मिलती रहे। दुआओं में याद रखिएगा।